खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रात में युवक अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था और उधर प्रेमिका उसकी करतूत पुलिस को बता रही थी। दुल्हन लेकर जैसे ही दूल्हे राजा वापस लौटे तो पुलिस दरवाजे पर उसका स्वागत कर रही थी, जिसने दूल्हे राजा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस घटना से पलक झपकते शादी की खुशियां हवा में हो गई और वैवाहिक आयोजन में शामिल होने आए रिश्तेदार भी धीरे धीरे निकल गए। 20 वर्षीय युवती के साथ आरोपी राजकुमार साकेत पिता हीरा लाल निवासी सुरसा थाना रायपुर करचुलियान का प्रेम प्रसंग चलता था। आरोपी शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार बलात्कार करता रहा। वह युवती को रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में लेकर आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। बाद में उसने प्रेमिका को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर ली। बुधवार को युवक की शादी थी और दूल्हा बनकर दुल्हन लेने गया था। उधर वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ साथ फेरे ले रहा था और इधर उसकी प्रेमिका थाने पहुंच गई, जो पुलिस को उसकी करतूत बता रही थी। युवती ने शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। गुरुवार को आरोपी गगहरा गांव से दुल्हन का विदा कराकर अपने घर वापस लौट कर आया, जहां उसके घर पहुंचते ही पुलिस पहुंच गई, जिसने दूल्हे राजा को हिरासत में ले लिया। घर में नई नवेली दुल्हन के आने की खुशियां पलक झपकते हवा हो गई। जब परिजनों को उसकी करतूत का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लेकर पुलिस थाने आ गई, जिससे अब घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मेडिकल के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। ये महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ कल, जिसमें युवती के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ में पिछले कुछ समय से संबंध में बना के रखे हुए था युवक, और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। फिर उसने बीच में ये बात आई तो उसने शादी करने से अपनी सहमति भी दी थी लिखित में कि मैं तुम्हें से शादी करूँगा। उसके बाद मालूम चला कि उसके द्वारा कल शादी कर ली गई चुपचाप। इस पर से युवती ने थाना महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ इस तरह से उसके द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद अब शादी नहीं कर रहा है। उसी तारतम्य में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और तत्काल ही लगभग FIR के 7-8 घंटे बाद विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची नाबालिग है? नहीं, बालिग हैं दोनों। उसमें आरोपी और जो फरियादी है दोनों बालिग हैं।